కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ విధించడంతో వందలాది మంది ఆదివాసీ వలస కూలీలు అనేక ఇబ్బందులకు లోనవుతున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్రాల నుండి వలస వచ్చిన వందలాది మంది ఆదివాసీ కూలీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇటుకబట్టీల్లో పనిచేస్తున్నారు. లాక్డౌన్, కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో వీరు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మహారాష్ట్రలోని దిగ్రస్ అర్నీ ప్రాంతం నుండి వలస వచ్చి ఆదిలాబాద్ పట్టణం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇటుకబట్టీలో పనిచేస్తున్న ఆంధ్ర ఆదివాసీలు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటుకబట్టీల ప్రాంతంలోనే గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్న వీరు లాక్డౌన్తో తమ గ్రామాలకు వెళ్లలేక వారిని పట్టించుకునే వారు లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చిన్న పిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు ఎండబిడిని తట్టుకోలేక నానా పాట్లు పడుతున్నారు. తమకు తినడానికి నిత్యావసర సరుకులు కూడా లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. తమకు వాహనం ఏర్పాటు చేసి అనుమతిస్తే తాము తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లిపోతామని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. कितना लोग हैं आप लोग? छोटे बच्चे हैं हमारे पास, छह बच्चे हमारे पास, छह बच्चे हैं, बड़े वाले आदमी है और एक और डिलीवरी के है हमारे साथ जाने का है। हाँ, गए महीने का मिला, ये महीने का नहीं मिला। 500 मिला? हाँ। कहाँ पे लिए? फिर अभी राशन ये महीने को देते होंगे? गए थे हमारे लोग, नहीं बोले, नहीं पूछ के आए। तेल होना, शक्कर होना, वो कुछ भी तो खाने पेट के वास्ते, पेट कैसा भरेंगे हम? कुछ भी तो खाना रहेंगे तो क्या खाएंगे? कुछ खाने को ही नहीं मिलता तो इस महीने का राशन भी नहीं दिया। फिर आप लोग खा रहे क्या? क्या जो पास था वो खा रहे थे, अब हो गया, आप क्या खाएंगे? अब जाना 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 है हमको, जाने के लिए तो इतना ही कर रहे हैं। सरकार बोल रही है एक तो ये डिलीवरी का टाइम है तो एक महीना रह गया, अब अगला क्या करेंगे? यहाँ कौन करता है? हमारे पास कोई नहीं है, काम के लिए आए थे, ऐसा हो गया लॉकडाउन। करने को यहाँ कौन करेगा? इसलिए जाने का ही है, बच्ची है एक छोटी। ललिता बजरंग फुपाटी आठवा। तो आप जाना है, यहाँ कोई करने को नहीं है, सास भी उधर है, अम्मा भी उधर है। आपका घर वाला? हमारा घर वाला इधर ही है, काम कर गए। खाने को? खाने को कुछ भी नहीं, अब काम ही नहीं लग रहा। आज तो कैसे भी लग गया तो अब वो भी स्कूल की ईट है, स्कूल की ईट है, फुकट देने का कही थी ईट, काम पर देने के बोल कर गए है तो अब खाने को कुछ नहीं, तो अब यहाँ नहीं रहने का बोल के बोल रही। मैंने कोई दिया नहीं। आप लोग यहाँ पे आके कितना बन हो रहा? हमको तीन चार महीने, पाँच नदी भर, पूरा नाला भर जाता ना, ये नाले के कास्ट पर है ना, नजीक है नाले के, नजीक नाला भर जाएगा तो ये भी डर है हमको। ऊपर से आवार आवार आता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं।
जाने का सोच रहे, लेकिन जाने भी नहीं दे रही है लॉकडाउन की वजह से। यही चाह के रोक दे, यही चाह के रोक दे रही। क्या करने का सर, तुम तो खाली कैमरा लेके घुमाते और बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते, तुम्हारा काम हो जाता, लेकिन हम गरीब जैसे का मरण हो रहा है ना कोरोना की वजह से। क्या मिलता हमको, खाली 12 किलो चावल 500 दिया, वो तो हमारे बाल बच्चे ही खा लेते ना। होता क्या, हम चावल खाने वाले आदमी नहीं, हम गऊ रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमको चावल से पेट नहीं भरता हमारा। अभी गए बार गए तो उन्हों कोरोना की वजह से बोल रहे जांच से वही रोक दो, तुमको सरकार देती। अभी गए गांव में तो बोल रहे तुम्हारे शेठ को बोलो, तुमको कुछ भी नहीं मिलता, जाना है तो अब जाओ। सरकार बोल रही जिनको जाना है उनको भेज देते, हमको तो कोई देखता नहीं। हम तो यही बैठे रहते ना, हमको कैसे देखते, हम यही है, यहाँ से कहाँ जाना पड़ता हमको, जाए तो यही ला के देते ना कोरोना का वजह से। फिर कैसे जाए, हम घर भी नहीं जान देते और बाहर भी घूमने नहीं, खाली यहाँ बैठ के रहने का और खाने का, खाने को भी कुछ नहीं देना है तो सरकार को हमको एक गाड़ी दे बोलो घर को जाने का, हम घर को जाते या बैठ के भी क्या करेंगे, खाली काम आने कुछ भी नहीं। इधर के लोग पहचान के भी नहीं, कोई हम मजदूरी से भी नहीं लगाते, पहचान के मजदूरी में काय करते हैं सर, काय करते वो पन्ना है कर वो किसे आ है कष्ट कर लो ने कहीं नहीं सर, वो कष्ट कर लो कला होता है ना। हम मराठी लोग आओ भाषा समझत नहीं, काय नहीं काय आपले ते काय मना लागले ते नहीं तो समझत और इसके पहले जाके आए थे एक बार, जाके आए 15 तारीख को लॉकडाउन खुलने का है बोले हमारे उधर महाराष्ट्र में, तो हम 15 तारीख के दूसरे दिन गए तो अब उधर हमारे बॉर्डर पर रोक दिया और बोले तुम चाहते वही जाओ बोले, यहाँ आने को आओ बोले, तुमको उधर खाना पीना मिलता। उधर आने के बाद दिए ये गाँव में 12 किलो चावल दिए थे वो खा लिए। अभी 12 किलो में होता क्या, हमारे 500 दिए तेल मिर्च तो 8 दिन में लगता हम जैसे को खाने को, फिर क्या मिलेंगे। अभी जाके पूछा तो बोले तुम्हारा राशन नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, हम गांव को तो जाते, फिर हमारे गांव में कैसा भी होने, घर तो रहता ना या तो ये झोपड़पट्टी में रहना पड़ता, बारिश आए और धूप में भी रहना पड़ता है ऐसा, और आंधी आए तो सब उठा के लेके जाते, फिर आंधी तूफान आए तो ये कुछ भी नहीं रहता, हम भी चले जाते। अभी सरकार दे रही बोलते गाड़िया जिसको जाना कहे रोकने मजूरदार को, लेकिन हम तो गए नहीं आसे, हमको कैसे मालूम। हमारा सेठ बोले अब तुमको बोलता बोले मैं सीएम को, अभी उन्होंने देता बोले क्या मालूम देते नहीं देते, नहीं देंगे तो भी हमको चलेगा, लेकिन हमको पैदल तो जान देना, पैदल भी जाते हम, यहाँ नहीं रहते, यहाँ रह के क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे क्या, पैदल हम पैदल भी जाते, हमारे उधर पैदल जाके घर में तो रहेंगे ना, या क्या खाएंगे क्या रहेंगे, जा तक जाना है वहां तक पैदल भी जाएंगे, बाद में हमको मत बोलो बोल के जा से आए वह जाओ करके, और काम भी नहीं लग रहा, या काम बहुत है लेकिन काम भी नहीं लग रहा, काम लगे तो हमारा चलता था, सब बंद है, अब 2 महीने हो गए, 15 दिन वो हो गए, अब ये 3 तारीख को तो अब भी बढ़ा दिए बोलते, याच रहने का उन हमारे मालक को भी वहाँ से इधर आने नहीं देते, उन्हों भी क्या कर रहा, उन्होंने बहुत दिया हमको खाने पीने को, अभी उनको भी नहीं आने दे रहे बोलते। अदलाबाद में से कहाँ पे है तुम्हारा मालक, अदलाबाद में बाहर निकलने को नहीं जमता बोलते, उनको भी क्या कर, आठ दिन भी लगे तो हम हमारे बच्चे के साथ चल जाते, हमारे बच्चे के जैसे चलने जैसे भी चल जाते, 8 दिन भी लगे तो हमको चल जाते हैं, कैसे भी करके पानी पी के भी चले जाते, पुलिस वाले लेकिन हमको पुलिस वाले भी नहीं जान दे रहे, उन्होंने बोलते कोरोना है कोरोना है कोरोना है, कोरोना है, तुमको नियम मालूम नहीं, हमको नियम मालूम है करके क्या बैठे, अभी ये खोल रहे नहीं यार, जान दे रहे वो भी नहीं दे रहे।
आपका नाम क्या है? राजेश्री। कहाँ के रहने वाले हो आप? कोपरा, गांव कोपरा, तालुका आर नहीं आता हमारा, दिग्रस में, दिग्रस के नजदीक। कौन से जिला? यवतमाल। महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र का जिला। इटरी, दिग्रस, तालुका। हाँ। जिला यवतमाल। बोलो। ललिता बजरंग फुपट। Yeah.